आज मेरा परीक्षा है। गुड मॉर्निंग, अभी 9:30 बज रहा है, 10 बजे से मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है। अभी घड़ी में बज रहा है 9:25। तो फ्रेंड्स, आने के बहुत बातचीत करेंगे आने के बाद। हाँ फ्रेंड्स, आज तो जी का एग्जाम है, क्या जाने क्या लिखेंगे, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। तो मैं भी रेडी हो गया, उसको देने जा रहे हैं। एग्ज़ाम शुरू होने के बाद मैं आऊँगी। 10 से 12:30 तक उसका एग्ज़ाम होगा। तो चलिए, मैं भी व्यस्त हूँ। उसका पापा सुबह सुबह घर चले गए हैं, थोड़ा सा काम है, तो आने के बाद आपसे बात करेंगे। ये देखो, मम्मी और अंकल कितना बेस्ट है। गैस को क्लीन करते करते मैं तो पसीना से भीग गए हैं। आज तो जीव का पापा नहीं है, तो फ़ोन किए थे, वो अभी बस में उठा है, 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो जीव को आज ड्राइंग कराना है। आज उसका जो इंग्लिश एग्ज़ाम था, इतना ज़्यादा क्वेश्चन, बच्चा है, इतना उससे होगा, मुझे तो नहीं पता क्या लिखा है, भगवान जानते हैं। अरे भाई सचमुच ये साड़ी को अच्छे से नहीं, अरे इस यही देखो किस तरह से फोल्ड कर लिया सब स्टेप बाय स्टेप। नहीं हुआ मतलब। नहीं नहीं ठीक है, तुम एक काम करो जीव, ऐसे दुपट को कर दो। हाँ चलो, यही ठीक है, एक साइड में पड़े रहने से तो ये अच्छा है। मेरा जीव देखो कितना अच्छा लड़का है। नहीं। और एक कर दोगे बेटा? ठीक है, और भी देता हूँ। मेरा साड़ी को भी ठीक से रखने का, थैंक यू, मेरा साड़ियों की ठीक से रखने का समय भी नहीं है, पहना था। ये लो, ये साड़ियाँ थोड़ा सा अच्छे से रख दो, ये अच्छे से करना, ठीक है? समय का काम मुझे। अच्छा ठीक है। बजरंगबली जी का पूजा शुरू हो गया है। आज तो मैं बहुत सारा फूल तोड़े थे, और जीव ने फूल से बजरंगबली जी का पूरा जो पीढ़ी है वो सजा दिया है। उसका पापा तो अभी तक नहीं आए, क्योंकि अभी तो 7 बज गए हैं, तो शाम में ही निकला है घर से। आप तो जानते हैं उनके पूजा के लिए घर के लिए तो बहुत सारे चीज़ हमने ख़रीदा था। तो मेरा दादी जी ले जाने वाले थे, लेकिन उसका पापा आज छुट्टी मिला और गए, और इसीलिए उसके हाथ में ही वो सब नया जो कपड़ा है वो नया कपड़ा दे दिए हैं। और वो बोल रहा है, यानी कि घर का लोग मुझे फ़ोन किए थे और बोल रहा है कि कपड़ा उसे बहुत ही पसंद हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। तो ये सब सुनकर मैं तो बहुत खुश हुई। मेरा पसंद है, उसका पसंद है, और बहुत ही वो सब लोग खुश हुए। तो अभी भी जितना भी कपड़ा बाकी है तो वो सब कपड़ा खरीद लूँगी। तो परीक्षा शुरू हो गया, परीक्षा ख़त्म होने के बाद भी हम जाएंगे दुकान और ख़रीद लेंगे। तो जीव का कल ड्राइंग परीक्षा है, भाई चेंज करो, पढ़ाई करना है। तुम्हारा कल मैथ है ना? कंप्यूटर। ओहो, तो भाई का कल कंप्यूटर एग्ज़ाम है, और जीव का ड्राइंग है। जीव तो बैठ गए हैं, और ये रहा जीव का क्वेश्चन। ये देखो फ्रेंड्स, इसका जो क्वेश्चन है, आपको बोला तो बहुत सारे क्वेश्चन है। ये देखो, ये देखो क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन, मार्क्स है 80 मार्क्स,
मालूम नहीं क्या लिखा है, कौन छोड़ा है। आगे आ गया, बहुत हैरान हुआ। हैरान नहीं हुआ, नींद आ रहा है ना? नहीं, तुमको फ्रेश लग रहा है आज? फ्रेश लग रहा है तो खाना पीना अच्छा कर रहा है, खाना ठीक ठाक खाया हुआ। इतना क्वेश्चन क्यों? बैठो बैठो बैठो, इतना क्वेश्चन। The fox is called the king of the jungle. देखो अभी तो 10 बज गए हैं, जीव कंटिन्यू 7 से लेकर 10 बजे तक कंटिन्यू कलर कर रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे, तो उसका ग्रीन कोकोनट और टमाटर अच्छा नहीं हो रहा था, तो लास्ट तक वो अच्छा किया। 1000 बार प्रैक्टिस करने के बाद तो कल क्या करेंगे मुझे पता नहीं, तो सुबह सुबह और भी और एक बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। जीव तुम ये बैग में तुम्हारा जो पेंसिल है, रबर है, उसको मत रखना, इसमें सिर्फ कलर जो पेंसिल है स्कूल का ये रखना, नहीं तो क्लास में सुविधा नहीं होगा, ठीक है? इसको निकाल दो। भाई भी थोड़ा सा ज्यामिति प्रैक्टिस कर रहा था, ये देखो देखो केला कितना सुंदर जीव ने प्रैक्टिस किया, ग्रीन कोकोनट भी प्रैक्टिस किया, यह अच्छा लग रहा है। देखो ये ग्रीन कोकोनट खराब कर रहे थे, मेरा मन बहुत ही खराब हो गया थे, और ये केला भी अच्छा हुआ, ये केला भी अच्छा हुआ तुम्हारा। और क्या है, ये ग्रीन कोकोनट भी अच्छा हुआ, और क्या करेंगे बच्चा लोग हैं। और ये टॉप भी अच्छा हुआ, लेकिन पापा देखो तुम्हारा ये जो कलर है ना, ये बाहर आ गया है, ये नहीं चलेगा। मैंगो थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, मैंगो का जो लीव है इससे आपका कलर बाहर आ गया, टमाटर से कलर बाहर आ गया, टमाटर इतना गाढ़ा रंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये सब ख्याल रखना, नहीं तो नंबर क्रॉस हो जाएंगे, दोस्त लोग अच्छे नंबर दोस्त लोगों को मिल जाएगा। ये देखो मैंने तो आलू और सरसों देकर एक अच्छा सा कारी बनाया है, और भीगे हुआ चावल है उसको देकर अच्छे से जमा कर खाएंगे। जीव के लिए तो मिर्च वाले बनाया नहीं, उसके लिए अलग बनाया है, और मेरे लिए मिर्च बनाया है, तो बहुत भूख लगा है। अभी तो घड़ी में 10 बज गए हैं, आज तो ब्लॉग ठीक से कर नहीं पाए, तो चलो खा लेते हैं फिर बात करते हैं। तो भाई का तो पढ़ाई हो गया है, इसके बाद भाई देखो कितना सुंदर किताब को रखे हैं, आप सब लोग देखो किताब है या क्या है मुझे तो पता नहीं। ओ तुम ठीक से बुक रख दो, जल्दी जल्दी ले लो, नहीं तो रात बढ़ जाएंगे और मुझे उठना पड़ेगा। डर लग रहा है? नहीं, डर क्यों? ले लो ले लो ले लो, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ सर्दी हो गया है इतना, झुका हो ना। देखो मुझे देखो अच्छे से उसका पापा उसको डांट कर नेजल ड्रॉप दे दिया, सर्दी में बहुत कष्ट हो रहा है, और अगर नाक बंद हो जाएगा तो रात का नींद तो आप लोग समझ पा रहे हैं क्या होगा। हर वक्त तुम नेजल ड्रॉप लेने के समय ऐसे ही करते हो, बहुत बदतमीज हो, तुम्हारे ही कष्ट होगा, मेरा थोड़ी होगा। हाँ फ्रेंड्स बहुत सर्दी लग रही। हाँ चुपचाप सो जाओ, कल परीक्षा है। टाटा, गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट।